नमस्कार दोस्तों, द अर्थ न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका होस्ट आशीष कपूर। जिस तरह से 35A को लेकर घमासान मचा है हमारी स्टेट के अंदर, श्रीनगर में हम देखते हैं वैली में किस तरह से रोज़ प्रोटेस्टों की एक लहर सी चल पड़ी है। कभी ट्रेड यूनियन, कभी हम बात करें ट्रांसपोर्टर्स, कभी बात करें लॉयर्स की, एक तरह से हम देखें अगर तो कुछ दो तीन डिस्ट्रिक्ट्स में एक ये ट्रेंड बन गया है, रोज़ किसी ने जो है प्रोटेस्ट लीड करना है 35A के अगेंस्ट, या हम बात करें 35A के फेवर में, लगे रहने के फेवर में। जम्मू में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, जम्मू में कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और ये हम शुरू से ही देखते हैं कि जम्मू संभाग जो है हिस्ट्री से ही 370 और 35A के अगेंस्ट रहा है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ एक यूथ एक्टिविस्ट जुड़ गए हैं यहाँ पे, सागर प्रधान जी। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे लेते हैं उनका व्यू क्या है, उनसे पूछते हैं कि उनका व्यू क्या है इसको लेके। सागर जी, शो में हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद सागर जी। 3500 के लेके क्या व्यू है आपका? आप एक यूथ एक्टिविस्ट हैं, तो क्या व्यू है आपका यूथ को लेके? आप मिलते रहते हैं यूथ से, सोशली प्रोग्राम्स में मिलते रहते हैं अब यूथ के साथ। सर, 3500 को लेके जो मेरा जो मानना है और जो जम्मू प्रोविंस के जो मेरे भाइयों का मानना है, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि 35A और 370 ने हमेशा से जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर के राष्ट्रवादी लोगों का नुकसान किया है और जम्मू के लोगों का बेड़ा गर्क हुआ है इससे। सागर जी, आपको क्या लगता है, हम जम्मू में देखते हैं, जम्मू के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में या संभाग में या किसी भी हिस्से में इसको लेके कोई प्रोटेस्ट नहीं है, कोई भी हम बात करें कोई आवाज़ नहीं उठ रही, लेकिन श्रीनगर की अगर हम बात करें उसकी, बस दो तीन डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ के दो तीन डिस्ट्रिक्ट्स में ही ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बाकी कहीं भी नहीं हो रहे। क्या आपको ये लगता है पॉलिटिकल मोटिवेटेड है ये? मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि ये 370 और 35 है, इससे जम्मू कश्मीर के राष्ट्रद्रोही जो लोग हैं, जो एंटी नेशनल लोग हैं, उनकी इससे रोजी रोटी चलती है और कश्मीर की, कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी इससे रोजी रोटी चलती है और उनका वो एक कश्मीर के अंदर गलत प्रचार कर रहे हैं कि अगर 35A हटा यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। ये समझ कश्मीर के लोगों को भी है, जब 35A हटा तो कश्मीर के अंदर रोजगार आएगा, जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगार बढ़ेगा और उनको नौकरीज मिलेंगी, और ये जानबूझ के हुर्रियत की तरफ से और कश्मीर बेस पार्टियों की तरफ से ये बार बार ये प्रचार फैलाया जा रहा है यहाँ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और मैं आपको सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये 35A क्या है और 370 क्या है, जो लोग इसे नहीं जानते, मेरे जम्मू प्रोविंस के भाई, मेरे डोगरे और हिंदुस्तान के मेरे जितने भाई हैं, वो अगर नहीं जानते तो मैं उनको बता दूं आशीष जी आपके माध्यम से कि 35A वो चीज़ है कि जो 370 को मजबूत करती है, 35A वो 35A वो चीज़ है कि जो हमारे देश के अन्य राज्य के लोग, मेरे भाई मेरे बहन, वो जम्मू कश्मीर राज्य में जमीन नहीं खरीद सकते, वो यहाँ रह नहीं सकते, वो यहाँ गवर्नमेंट नौकरी नहीं कर सकते। ये कहाँ का ये मुझे बताएं कि ये कहाँ का न्याय है? मैं सिर्फ एक कश्मीर की जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हुर्रियत से मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर हिंदुस्तान के कोई भी कोने का आदमी जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता तो फिर फारूक अब्दुल्ला जो है, या चाहे आप जितनी भी पार्टी लगा ले, PDP है या जितनी ये हुर्रियत है, तो ये लोग फिर क्यों देश के अन्य राज्यों में जमीन लेते हैं? और मैं अपने भाइयों को बता दूं कि हुर्रियत के जितने भी नेता हैं उनके दिल्ली में फ्लैट्स हैं, पर क्या मेरे दिल्ली के जो भाई हैं क्या उनके जम्मू कश्मीर में फ्लैट्स हैं कहीं? नहीं है, वो नहीं ले सकते। तो ये कहाँ का न्याय है? तो आप क्या चाहते हैं सागर जी? आपके अगर हम बात करें 35A की बात करें, हम स्पेसिफिकली अगर 35A को लेके आपकी क्या राय है? मेरी राय बिल्कुल स्पष्ट है कि 35A और 370 हटना चाहिए, यह बहुत जरूरी है।
क्योंकि यह राज्य के राष्ट्रवादी लोगों के लिए भी घातक है और देश के लिए भी घातक है। इससे क्या फायदा होगा यूथ को अगर ये 35 से हट जाती है तो? ये 35 से अगर हट जाती है तो जम्मू प्रोविंस के अंदर जो आज जो बेरोजगारी का जो वातावरण जो 47 से लेकर आज तक बना, वो क्यों बना है? वो 370 की वजह से बना है। तो कहीं ना कहीं आप जिम्मेवार ठहराते हैं 35 ए को, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए। ये 35 ए अनएम्प्लॉयमेंट के लिए भी जिम्मेदार है और 35 ए जो जो कश्मीर के अंदर ये जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज चल रही हैं, ये सारी कसूरवार 35 ए आर्टिकल और आर्टिकल 370 है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर ये आज वातावरण बना है, ये क्यों वातावरण बना है? ये 35 से 370 की वजह से बना है। अगर हम बात करें 35 से हटने से, क्या आपको लगता है ये सारी समस्याएं जो है खत्म हो जाएंगी? मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं आशीष जी कि 35 से और 370 हटने से जम्मू कश्मीर के अंदर मिलिटेंसी मुक्त हो जाएगी। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी कहीं नहीं रहेगी। जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी मुक्त हो जाएगी। जम्मू कश्मीर जो है ये पूर्णता हिंदुस्तान के साथ। ऐसा डिमोनेटाइजेशन के टाइम भी कहा गया था कि जो ये आतंकवादी गतिविधियां हैं ये खत्म हो जाएंगी, लेकिन हम देखा है कि इसमें सिर्फ हवा के गैस की हवा की तरह ही नहीं, उड़ गई सारी ना बात। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, मैं तो बताता हूं आप किस तरह से कह सकते हैं कि इसकी वजह से जो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। देखिए सिंपल सी बात है कि जो नोटबंदी मामला एक अलग है। ये 35 से मामला अलग है, लेकिन जो मोटिव उसके पीछे भी था, वो मोटिव इसके पीछे भी आपने बताया अभी। बिल्कुल नहीं, मैं बताता हूँ सर, 35 ए की वजह से ये मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। सर जो 35 ए का नुकसान है वो हमें नोटबंदी का नुकसान नहीं है मेरे भाई, हमारे हिंदुस्तान का, दिल्ली का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, वो चाहे केरल का, वो असम का, वो आदमी जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता। नोटबंदी से तो बेटर है ना, हिमाचल में भी जमीन नहीं खरीद सकते, लेकिन वहां पे मिलिटेंसी नहीं है। देखिए हिमाचल जो है वो हिमाचल का एक मुद्दा अलग है, वहां पे 370 जैसी चीज नहीं है, वहां पे कुछ एक दो वहां पे धाराएं हैं। पर हिमाचल को आप जम्मू कश्मीर के साथ ना जोड़े, जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव राज्य है। जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 है। जम्मू कश्मीर को एक इतना बड़ा इन्होंने इंटरनेशनल हाई लेवल मुद्दा बनाया हुआ है, हिमाचल को इसके साथ ना जोड़े। और मैं आपको आपके माध्यम से मैं एक चीज बता दूं कि जिस तरह से हमारी जो पूर्व सीएम रह चुकी हैं, जो उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर जो 370 35 ए है, ये जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ जोड़ती है, ये पुल है। ये कहां का पुल है मेरे भाई? ये कोई पुल नहीं है। ये जम्मू कश्मीर को कोई हिंदुस्तान के साथ नहीं जोड़ती। जम्मू कश्मीर का विलय तो हिंदुस्तान के साथ 47 का ही हो चुका है। मुद्दा अगर कुछ है तो वो मुद्दा जो पाक ऑक्युपाइड पुंछ है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है और गिलगित बल्तिस्तान है। मुद्दा तो वो है जो हमने अपना वापस लेना है। आपको लगता है जो कोई विवादित नहीं है जम्मू, आपको लगता है जो प्रेजेंट सरकार है वो इसमें, क्योंकि उन्होंने भी ये बोला था पीएजेको को वापस लेंगे, और अब तकरीबन जो अगर हम बात करें 4 साल सरकार में हो चुके हैं, 5वां साल चल रहा है सरकार का, और अभी तक उसमें कोई भी हमें कुछ पॉजिटिव दिखा नहीं है, तो क्या ये भी एक पॉलिटिकल मुद्दे की तरह जो है हर इलेक्शंस में यूज होगा, लेकिन काम कभी नहीं होगा इसमें? देखिए आप किसी पॉलिटिकल आउटफिट को प्रेजेंट नहीं करते हैं, बिल्कुल, तभी बिल्कुल, मैं आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आपने बात की कि पीओजेके जो है वो मुद्दा है, जो गिलगित बल्तिस्तान है वो मुद्दा है बिल्कुल। किस तरह से वापस ले पाएंगे ये पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल आउटफिट्स की बात करें, जो मुद्दे इलेक्शन आने पर जिनके खड़े होते हैं वो बाद में भूले जा जाते हैं? बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि जो हर कोई पार्टी अगर बात करती है तो जिस पार्टी ने जो इसके ऊपर काम नहीं किया, मैं आपको याद करा दूं कि 1993 के अंदर जब नरसिम्हा राव की सरकार थी और उन्होंने दिल्ली पार्लियामेंट के अंदर वहां पे यह प्रस्ताव लाया था कि जो हमारा पीओके है हमने उसको वापस लेना है। 1993 के अंदर यह प्रस्ताव लाया गया है और इसके ऊपर सभी ने सहमति जताई थी, और जब इसको वापस नहीं लिया गया तो आपको याद है कांग्रेस का क्या हाल हुआ, और जिन लोगों ने हमसे वादा किया था कि हम पीओके को वापस लेंगे, जम्मू कश्मीर के साथ मिलाएंगे, और उन लोगों ने नहीं किया, तो आपको याद होगा 2004 में शाइनिंग इंडिया की हवा निकल गई। फिर उसके बाद मनमोहन सिंह का क्या हुआ,
तो मैं आपको यही बता दूं कि आपने मुझे कहा कि जो ये वादे हर कोई पार्टियां करती हैं, तो मैं आपको इतना बता दूं कि जिस पार्टी ने हमारे साथ विश्वासघात किया, जिस नेता ने, जिस प्रधानमंत्री ने हमारे साथ विश्वासघात किया और उसको जवाब जम्मू कश्मीर की जम्मू की जनता ने हर चुनाव में दिया है। और जब 2013 में जब ललकार रैली हुई थी जब जम्मू के अंदर, और माननीय मोदी जी जम्मू में जब आए थे और उन्होंने ये कहा था कि क्या अब समय आ चुका है कि धारा 370 के ऊपर चर्चा हो। मैं याद करा दूं कि अगर मेरे कुछ मित्रों को याद नहीं है गवर्नमेंट में बैठे हुए, तो मैं याद करा देता हूं उनको कि उनकी एमएम स्टेडियम में यही वोटिंग थी कि अब समय आ चुका है कि धारा 370 के ऊपर चर्चा होनी चाहिए और इसको समाप्त करना चाहिए। चर्चा हो रही है ना सर, देखिए ना, आप हर पॉलिटिकल रैली में चर्चा होती है, आप देखिए हर स्टूडियो में बैठ कर चर्चा होती है, हर बीजेपी का प्रवक्ता जो है वो चर्चा करता है, चाहे वो कांग्रेस का वो सर, भी चर्चा से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, समाप्त तो करना पड़ेगा। मोदी जी ने यही बोला था ना, चर्चा होनी चाहिए, चर्चा तो चल रही है। समाप्त अगर नहीं होगा तो वही हाल किया जाएगा जो बाकी। आपको लगता है समाप्त होगी? समाप्त अगर नहीं होगी तो मैं ये बात, मुझे बोलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि जम्मू के अंदर हालात बहुत खराब होंगे, जिसका नुकसान आने वाले दिनों में सरकार को भुगतना पड़ेगा। मतलब जम्मू भी ये जो कश्मीर की तर्ज पे चला जाएगा जहां पे प्रोटेस्ट और बंद, कश्मीर को जम्मू की तरह ना लो मेरे भाई। जम्मू के लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, जम्मू के लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं और कश्मीर के लोग हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहते हैं। जम्मू के लोग राष्ट्रवादी हैं, जम्मू के लोगों का मानना है कि ये समाप्त तो होगी तो जम्मू में रोजगार आएगा और जम्मू के लोग खुली हवा में सांस लेंगे। इस 35A में ऐसी ऐसी धाराएं हैं कि जो इंडियन पार्लियामेंट जो हमारी है उसको भी नहीं मानती। हिंदुस्तान का कोई कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता, ये सिर्फ 35A की वजह से है। जब तक ये खत्म नहीं होगी सागर जी, हम लोग चुप नहीं बैठने वाले। आपको ये मालूम है कि यहाँ पे अभी भी बिजनेस हाउसेज आ सकते हैं, 99 साल की लीज पे अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लीज पे भाई क्यों लाना? एम्प्लॉयमेंट में अगर आप इसको जोड़ दें तो एक तथ्य ये भी है जो ज्यादातर हम देखें कश्मीर सेंटरिंग पॉलिटिशियन जो है देते हैं, जब ये बात होती है 370 पे वो ये कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए ये जिम्मेवार नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, अब एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो हम यहाँ पे अभी भी सरकार जो है 99 साल के लीज पे जो है देती है बिजनेस हाउसेस को जगह, यहाँ पे वो कर सकते हैं बिजनेस। लीज वाला समय चले गया है क्योंकि जम्मू की जनता ने जिस चीज को लेके मैंडेट दिया है, हमने मैंडेट दिया था कि 370 समाप्त करने का, हमने मैंडेट इसलिए नहीं दिया था कि लीज पे लो और उसके बाद जो रोजगार है वो चलता रहेगा, ये नहीं चलने वाला है क्योंकि अब समय आ चुका है। सागर जी अगर हम बात करें, मैं आपसे थोड़ा सा छेड़ा है हमने इस बात को, हम इम्प्लॉयमेंट को लेके यहाँ बात करें, भारी कंपनियाँ यहाँ पे नहीं आके बिजनेस नहीं कर सकती। भारी कंपनियों की बात करें, यहाँ पे हम आज भी देखते हैं काफ़ी भारी कंपनियाँ आके बिजनेस कर रही हैं। टेलीकॉम सेक्टर में अगर हम बात करें, जियो की बात करें या रिलायंस की बात करें, भारती एयरटेल की बात करें, इसके अलावा और भी बड़ी कंपनीज हैं जो यहाँ काम कर रही है, तो क्या 370 और एम्प्लॉयमेंट को जोड़ना कहाँ तक ये हमें जायज़ लगता है? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, मैं ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि बाहर की कंपनियां जो हैं, जो जम्मू के लोग जो इसमें काम कर रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि इसमें वो हमारे डोगरे काम कर रहे हैं जिनको 6,000, 5,000, 7,000 या बद से बद 10,000 तनख्वाह मिलती है। मुझे ये बात बताइए कि जिन माँ बाप ने 4 लाख 5 लाख उनकी पढ़ाई पे खर्चा हो, जो जो शुरू से पढ़ा रहे हैं, मैं टोकूंगा आपको, यहाँ पे ऐसा नहीं है, ज्यादा पे भी मिलती है। नहीं, ज्यादा पे मैं आपको बता रहा हूं ना कि आप एक दिन सर्वे करिए, ये बड़े बड़े मॉल्स के ऊपर हमारे वो भाई आज लगे हुए हैं कि जिन्होंने एमए किए, जिन्होंने बीएड किए, जिन्होंने जो लोग ग्रेजुएट हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं क्या उनकी इतनी हैसियत रहेगी है कि वो 6,000 में काम करेंगे? अब जिनके माँ बाप ने सपना सोचा था कि हमारे बच्चे टीचर बनेंगे, हमारे बच्चे प्रोफेसर बनेंगे, हमारे बच्चे पुलिस ऑफिसर बनेंगे, तो क्या आज उनके बच्चों की ये हैसियत आ गई कि वो 6,000 में काम करेंगे? तो क्या इसलिए माँ बाप ने बच्चों को पढ़ाया था कि वो मॉल में जाके काम करेंगे? अगर 370 हट जाती है 35 से, मैं आपको बस एक छोटी सी, फर्क क्या आएगा?
उसमें क्या वो 6000 कन्वर्ट हो जाएगा 16000 में या 26000 में? बिल्कुल 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 कन्वर्ट हो जाएगा ना। क्या रीजन उसका? मतलब देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको शायद याद ना हो, आज की डेट में हमारे जो भाई हैं, जम्मू के बहनें हैं, वो अपने रोजगार के लिए, पेट पालने के लिए जम्मू से प्लान कर रहे हैं। आज की डेट में बच्चे पुणे जा रहे हैं, बच्चे चंडीगढ़ जा रहे हैं, बच्चे पंजाब में जा रहे हैं, बच्चे दिल्ली में जा रहे हैं, हरियाणा में जा रहे हैं जॉब्स करने के लिए। अगर हम बात करें हर छोटे शहर का, यही रोना है कि बच्चे जो हैं उनके बाहर। हर स्टेट को जम्मू कश्मीर की तरह नहीं लो, जम्मू के लोग राष्ट्रवादी, जम्मू के बच्चे हमारे जम्मू छोड़ना नहीं चाहते, पर ये 370-35 मजबूर कर रहा है उनको। हर स्टेट के बच्चे राष्ट्रवादी होते हैं, हर स्टेट के नहीं नहीं, पर जम्मू पर जम्मू के बच्चों को मजबूर किया जा रहा है मेरे भाई। जम्मू के बच्चों को 35 मजबूर कर रही है कि जम्मू से प्लान करें। मैं सिर्फ एक चीज समझना चाहता हूँ, क्या जिन मुद्दों को हम 370 के साथ जोड़ते हैं, क्या वो जेन्युइनली मुद्दे? क्या जो लोग, क्या जिन लोगों ने ग्रेजुएट किए, जिन लोगों ने पीएचडी किया, क्या वो लोग 10000 में जॉब करेंगे, बताइए आप। यहाँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर क्या हम जिन मुद्दों आज की डेट में आप घरों में चले जाए, एक मिनट सागर जी, जहाँ पे 370 को हम जोड़ते हैं, जिन मुद्दों को जोड़ते हैं, क्या वो मुद्दे जेन्युइन है, या इसके अलावा कोई ऐसे मुद्दे हैं जो हमारी पकड़ से बाहर हैं, जिनको हम पकड़ नहीं पा रहे हैं 370 को लेके? देखिए मेरी बात सुने, इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा कि जब हमारे राज्य के जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, जो हमारी पूर्व सीएम साहिबा रह चुकी हैं, वो ये कहती हैं कि अगर 370 हटी तो यहाँ पे गृह युद्ध हो जाएगा, तो कोई कहता है कि यहाँ पे झंडा देने वाले को कांधा नहीं मिलेगा, इससे बड़ी क्या बात होगी? ये आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितनी घातक है जम्मू के लिए। ये सिर्फ रोजगार का मामला नहीं है, ये जम्मू के लिए 370 कितनी घातक है। अब यहां से लगा लिए हिसाब की, जब दिल्ली के अंदर हमारी सीएम साहिबा कहती है कि अगर 35A के साथ छेड़छाड़ की, 370 के साथ छेड़छाड़ की, तो जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर में झंडा देने वाले को कोई कान, जम्मू कश्मीर में कोई झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। ये कितनी बड़ी बात है। फारूक अब्दुल्ला जी कहते हैं गृह युद्ध हो जाएगा, भाई कौन सा गृह युद्ध हो जाएगा? मैं फारूक अब्दुल्ला जी को एक बात आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, मैं सीएम साहिबा को आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, महबूबा जी आप 1990 वाला जम्मू मत समझे, ये जम्मू 2018 है, ये आप 1990, आप 1947 वाला जम्मू ना समझे। 2008 अगर आपको याद नहीं है, आपकी 35A के ऊपर कश्मीर में एजिटेशन तो बाद में होगी, इससे पहले हम क्षेत्रीय को जम्मू के अंदर एक मास एजिटेशन खड़ी कर देंगे, जो 2008 से भी भयंकर होगी। आप कह रहे हो झंडे की बात कर रहे हो, यहाँ पे झंडे के साथ साथ देखो यहाँ पे भगवा भी निकलेंगे जम्मू में। आपको क्या लगता है कौन यहाँ पे एजिटेशन की बात कर रहे हैं? 6 अगस्त को अगर कुछ ऐसा होता है एजिटेशन करेंगे, कौन लगता है आपको, कोई एक संगठन आपको दिख रहा है सामने जो इस चीज को लेकर कुछ हमें लीड करेगा, या मैं बात करूं जम्मू के लोगों को लीड करेगा इस चीज को लेकर, या उन लोगों को लीड करेगा जो 35 से हटाने के फेवर में है? देखिए क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे हर तरफ जो है अपने जो रोटियां सेकी जा रही हैं, हर बंदा जो है, हर जो ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आज बनती है, कोई 4 दिन बाद बनती है, अपने अपने मुद्दे लेके बन रहे हैं वो सारे के सारे। आपको ऐसा कोई एक नाम लगता है जिसको आप बोलें कि हाँ ये एक ऐसा नाम है जो हमारे मुद्दों को आगे रखेगा? मैं आपको बता दूं, क्योंकि प्रोटेस्ट जब भी लड़ा जाता है, प्रोटेस्ट जब भी होता है, किसी ना किसी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है। जिस तरह से श्रीनगर में हुर्रियत की अगर बात करें, वो लीड करती है हर एक प्रोटेस्ट को, वो हम बात करें वो आर्किटेक्ट करती है हर एक प्रोटेस्ट को। जम्मू में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हम देख रहे हैं, हम देख क्या रहे हैं, हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो एक प्रेशर ग्रुप की तरह जो है बिहेव करे। तो किस तरह से जम्मू जो है प्रोटेस्ट करेगा इस चीज़ को लेकर? मैं आपके माध्यम से मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूँ कि सबसे पहले अगर 6 अगस्त को अगर 35A को हटाया नहीं गया तो हम जम्मू में एक मौन व्रत करने वाले हैं, हम धरने पे बैठने वाले हैं। अगर 6 अगस्त को 35A को हटा लिया गया तो वो यहाँ पे बहुत बड़ा जम्मू के अंदर एक विजय रैली होगी। विजय रैली तो ठीक है सागर जी, मौन व्रत धरने से क्या हो जाएगा बताएं? मौन व्रत धरने से जम्मू के अंदर शुरुआत होगी नई क्रांति की। और आपने जहां तक कहा, मैं उसकी बात का भी जवाब दे दूं कि आपने कहा कि किस बैनर के तले जम्मू में एजिटेशन लड़ी जाएगी, ये उसी बैनर में लड़ाई लड़ी जाएगी
50 लाख डोगरों के बैनर तले लड़ाई लड़ी जाएगी। इसका कोई नेता नहीं होगा, कोई पार्टी नहीं होगी, इसका जम्मू के अंदर हर भाई, हर बहन, हर पुरुष, हर कोई जम्मू में बाहर निकलेगा, एक प्लेटफॉर्म पे बाहर निकलेगा, जिनकी कोई पार्टी नहीं होगी, उन सब का एक ही, और सभी लोग पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के 35A को हटाने के लिए 6 अगस्त को बाहर निकलेंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जो 3-4 दिन से जो कश्मीर के अंदर ये जो चल रहा है कि 35A हटी, ये हो जाएगा, मैं आज मीरवाइज का भी बयान सुन रहा था, मैं मीरवाइज को भी बता दूं कि 6 अगस्त को अगर 35A नहीं हटी तो हम भी जम्मू से एक बहुत बड़ी एजिटेशन करेंगे। आप तो लाल चौक में लड़ते हैं, हमारी लड़ाई सिटी चौक से होगी। आपको लगता है कहीं ना कहीं कश्मीर में डर है कि शायद 35 हट जाए, जिस तरह से वहाँ पे एजिटेशन शुरू हुई है, वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं वहाँ पे, क्या आपको लगता है वहाँ पे कहीं ना कहीं डर सा बैठ गया है, जिस उनको शायद एक पूर्ण आभास हो गया है कि शायद हट जाए? ये हटना तो तय था, ये तो हटेगी मेरे भाई, ये 35A जो है, मैंने आपको पहले ही बता दी ना, इतनी घातक है कि आप यहाँ से ही आप अंदाज़ा लगा ले कि हमारे जो राज्य के जो इलेक्टेड हैं, जो इलेक्टेड CM है, वो ये जब बयान देते हैं कि जम्मू के अंदर तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा, तो इससे बड़ी बात क्या है? ये इसका मतलब एंटी नेशनल चीज है, तो ये तभी बोल रहे हैं ना। इनकी सिर्फ इतना ही है कि 35A से इनकी रोटियां चलती हैं, जो 6 अगस्त को इनकी रोटियां बंद होने वाली हैं, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने वाला है, अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय नहीं आता तो जम्मू से एक मास एजिटेशन की जाएगी, जो नरेंद्र मोदी को हम अपना, जो नरेंद्र मोदी जी का जो वादा है हम उनको याद कराएंगे, क्योंकि बीजेपी का तो जन्म ही 370 में हुआ है, बीजेपी का तो जन्म ही राम मंदिर के मुद्दे पे हुआ है, बीजेपी का तो जन्म ही कॉमन सिविल कोर्ट में हुआ है, बीजेपी के, हमें पूरा विश्वास है कि 2019 से पहले ये 3 core issues के ऊपर काम किया जाएगा, क्योंकि मैं याद करा दूं नरेंद्र मोदी जी को भी, क्योंकि हमने उनको वोट दिया, हम जम्मू के लोगों ने उनके, हम डोगरों ने उनको वोट दिया, क्योंकि हमारा दायित्व बनता है कि हम उनसे पूछे और हम उनको याद भी कराएं, मोदी जी आपको हम याद करा दे कि एक नारा चला था, जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, वो सारे का सारा है, वो कश्मीर हमारा है, ये नारा जो था ये आपके ही मुखर्जी का था, आपको लगता है जिनको पूरी जम्मू की जनता मानती थी, और उस नारे को आपने 6 अगस्त को पूरा करना है, जो उन्होंने कहा था जब वो कोलकाता से चले थे, और उन्होंने कहा था एक देश में एक झंडा, 2 झंडे नहीं चलेंगे, एक विधान एक निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। अभी भी लगा ना स्पीकर साहब की गाड़ी पे 2 झंडे लगे हुए हैं अभी भी। देखिए स्पीकर साहब की गाड़ी में लगी हुई है, ये चीज तो आप उनसे पूछें। उनके मंत्री भी जब गाड़ियों में जाते थे तो उनकी मंत्रियों की गाड़ियों पे भी 2 झंडे लगे हुए थे। चलो जिन्होंने 2 झंडे लगाए थे वो उनको 2019 में वही जनता, जम्मू की जनता सबक सिखाएगी उनको। अगर मैं बात करूं 6 अगस्त को अगर नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला, जो आप कह रहे हैं आर्टिकल 35A के हटाने के फेवर में नहीं होता, किस तरह से आपको लगता है यूथ में एक 2019 को लेके जो इलेक्शंस हैं, किस तरह से आप समझते हैं कि क्या एक जो बीजेपी को साथ मिला था यूथ का 2014 में, दोबारा से मिल पाएगा वो? अगर हम बात करें सिर्फ 35A को लेके, या हम बात करें उन वोटर्स की लेके जिन वोटर्स ने 2014 में इन्हीं मुद्दों पर वोट दिया था बीजेपी को, यहाँ बात करें नरेंद्र मोदी को इन स्पेसिफिकली, क्या दोबारा से वोट नहीं, अगर इन चीज़ों, राम मंदिर नहीं बना, कॉमन सिविल कोड अब तक नहीं लगा जी, 370 नहीं हटी जी, ये 3 core issues थे जी, क्या दोबारा से जनता ट्रस्ट करेगी बीजेपी के ऊपर, क्या लगता है आपको? मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि हम विश्वास बिल्कुल करेंगे, हम इनके ऊपर विश्वास तब करेंगे कि जब ये जो 3 core issues हैं इसको पूरा करेंगे। और मैं ये बता दूं कि ये 370 हटाओ और 370 हिंदुस्तान से 2019 में ले जाओ,
ये हम खुला ऑफर दे रहे हैं अभी, आप 272 की बात कर रहे हैं, हमने आपको 2014 में 282 सीटें दी थी, हमने आपको 282 सीटें दी थी, आपने 272 सीटें कहा था पार्लियामेंट के लिए, हमने आपको 282 दी थी, और इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता ने आपकी झोली में 3 सीटें डाली थी। मेंबर पार्लियामेंट जम्मू से हमने 3 भेजे थे, और हमें यह भी पता है कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार बनी तो क्या हुआ, क्योंकि ये मैं आपके माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर दूं कि मैं 2014 से जब से राज्य में गवर्नमेंट बनी, मैं हमेशा गवर्नमेंट की नीतियों के खिलाफ रहा हूं, मैं भाजपा के खिलाफ कभी नहीं रहा, क्योंकि हमारा बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं है, इस सरकार से हमारी नाराजगी थी जो जो जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मुझे आप ये बात बताएं कि जम्मू के अंदर कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरा हुआ, यात्रा इस बार अमरनाथ जो हमारी यात्रा थी वो पूरी की पूरी फेल होगी। आपको मैं याद करा दूं, जो यात्रा 45 दिन जो 40 दिन चलती थी वो यात्रा 15 दिन में आके टिक गई। ये बिल्कुल क्लैप्स है, ये सरकार का बिल्कुल फेलियर रहा। वो तो रीजन था ना उसके पीछे, शिवलिंग जो थे वो नहीं वो नहीं था, ये गवर्नर साहब का भी इसमें आपको नहीं मैं आपको याद करा दूं कि इसमें गवर्नर साहब का भी बहुत बड़ा एक फेलियर रहा, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि इस बार जम्मू कश्मीर के अंदर यात्रा हो बड़े। और मैं आपको बता दूं आपके माध्यम से कि 90,000 हमारे भोले के भक्तों ने बिना दर्शन के वो लोग वापस गए हैं, ये बहुत एक दुख की बात है, शायद ये चीज़ को आपने भी नोट किया होगा, हमने भी रिपोर्ट की थी उसके ऊपर जी। किस तरह से 90,000 तो आप मानिए कि जो लोग अपना बजट लेके चलते हैं तो उनको कितना दुख हुआ होगा सर। लेकिन उसका रीजन मैंने आपको बताया, वो ये था कि 28 सर वो जब जम्मू में आए ना, जब वो लोग के पिघलने का रीजन था एक, क्योंकि वो अब उसका रीजन उसकी हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होनी चाहिए, उस पर हम जो है सरकार को या हम बात करें कटघरे में खड़ा कर सकते हैं कि क्यों शिवलिंगम जो है इतनी जल्दी पिघल गया। और इसी में जैसे हमारे पास सिस्टम समय भी थोड़ा कम है, समय की हम शो की जो है लास्ट में पहुंच रहे हैं, लास्ट में हम 30 सेकंड का एक कमेंट ले लेंगे सागर जी से। एक मुद्दे को लेके आप जो है हम देख रहे हैं सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, वो है महाराजा हरि सिंह की छुट्टी को लेके। होगी इस बार छुट्टी, क्या लगता है आपको? सर इस बार हम छुट्टी हम करवा के रहेंगे, और हो सका तो हम ज़बरदस्ती भी हम छीन के लेंगे, और तब भी नहीं मिली तो हम ज़बरदस्ती जम्मू बंद करके हम हरि सिंह की हम छुट्टी मनाएंगे। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कह दूं लास्ट में कि मैं इसके ऊपर लड़ाई में बहुत देर से लड़ रहा हूँ। एक क्या हरि सिंह की, क्या एक महाराजा साहब की क्या एक छुट्टी नहीं मिल सकती? मेरे साथ किसी की बात हो रही थी, क्योंकि मैं लगातार मैं मीटिंग्स पे मीटिंग कर रहा हूँ, और मुझे एक दिन हमारे भाई ने कहा कि उसने कहा कि यार क्या कर रहे हो यार, डॉक्टर करण सिंह जी ने नहीं आज तक करवाई, अजात शत्रु जी ने नहीं कराई, तो यार आप लोगों में क्या कर रहे हो? मैं उनको एक ही जवाब देना चाहता हूँ, हरि सिंह जी महाराज जो थे वो पूरे जम्मू कश्मीर के थे, यहाँ पर करण सिंह का मुद्दा नहीं है, यहाँ पर हर डोगरे का मुद्दा है, क्योंकि आशीष जी महाराजा साहब अगर जम्मू कश्मीर का विलय हिंदुस्तान के साथ अगर नहीं करवाते तो आज हम यहाँ पे भारत का झंडा, आज जम्मू के अंदर हम हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कहते, हम यहाँ पे तो खुली आज़ादी से नहीं घूम सकते थे, हम आज पाकिस्तान का पार्ट होते। अगर महाराजा साहब ही नहीं चाहते थे, महाराजा साहब ने तो हिंदुस्तान के साथ विलय कराया, आज अगर हिंदुस्तान जिंदाबाद कहते हैं, भारत माता की जय कहते हैं, तो ये सिर्फ महाराजा साहब का, ये सिर्फ महाराजा साहब की देन है। और मैं सागर अगर महाराजा साहब के लिए कभी उन लोगों से पूछा कि जो जिन लोगों ने शेख अब्दुल्ला जी की छुट्टी करवाई थी जी, महाराजा जी की छुट्टी करवाने में इतना टाइम क्यों लग गया, ये अभी तक हुई नहीं है? जो देखिए कितनी दुख की बात है, और मैं सराहना करता हूँ कि आपने बहुत बढ़िया सवाल किया मेरे से। देखिए कि शेख अब्दुल्ला के जन्मदिन पे छुट्टी है, हमें कोई दुख नहीं है, शेख अब्दुल्ला के अगर जन्मदिन पे छुट्टी देनी है तो दे दो, पर जिसकी जिसकी यहाँ पे रियासत थी, और जिसने हमेशा से जो राष्ट्रवादी रहा, और मैं आपको बता दूं जो कानून आज देश में लग रहे हैं
ये कानून महाराजा हरि सिंह ने उस समय लगाए थे 1943 में, 1932 में, 1944 में, और ये कानून तो उस समय हुए थे। और मैं आपको याद करा दूं, जिसने हमेशा से ये कहा कि मेरा कोई अगर धर्म है तो वो है इंसाफ, क्या उसके नाम पे आज छुट्टी नहीं हो रही? और उसके नाम पे छुट्टी दे रहे हो जिस शेख अब्दुल्ला ने हमेशा, जिसकी वजह से आज 35 से 370 लगी है, ये सिर्फ शेख अब्दुल्ला की देन है, उसके नाम पे छुट्टी होती है, हमारे महाराजा साहब के नाम पे नहीं होती है। मैं आपके चैनल से आज लास्ट में मैं यही कहूंगा कि जब तक मैं नहीं, पूरा जम्मू इस बार हम छुट्टी करवा के रहेंगे, और हमें जिस हद तक भी जाना पड़े हम जाएंगे। लॉ एंड ऑर्डर को संभालना ये गवर्नमेंट का काम है, और क्योंकि इस समय तो सीधे केंद्र जम्मू कश्मीर को डील कर रहा है, हमारी केंद्र से डिमांड है महाराजा साहब के जन्मदिन की छुट्टी दो, क्योंकि महाराजा साहब ने जम्मू कश्मीर जो हिंदुस्तान का ताज है उसका विलय हिंदुस्तान के साथ किया था। तो आप और अगर मैं आपसे ये कहूं कि हम चाहते हैं कि जितनी भी छुट्टियां उनको कैंसिल किया जाए जी, हमें महाराजा की जो दिन पे हम चाहें हम डबल काम करें, हम शेख अब्दुल्ला का जो दिन होता है जिस दिन, उस दिन भी डबल काम किया जाए, अगर हम फोकस काम पे करें छुट्टियों की जगह, उसके उसमें आप क्या कहेंगे? क्योंकि यूथ, आज का जो यूथ है, हमें वो लगता है कि वो काम को ज़्यादा फोकस करता है, जितनी हो सके छुट्टियाँ कम ही वो करना पसंद करता है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूँ, आपको सिंपल सी मैं एक चीज़ बता दूँ कि फालतू की छुट्टियाँ हम नहीं जानते। फालतू की छुट्टियाँ अगर आपने बंद करानी है तो आप फिर पहले शेख अब्दुल्ला की छुट्टी को बंद कराओ। हम उसकी भी कर रहे हैं, सबकी, ठीक है ना, सबकी बंद होनी चाहिए। शेख अब्दुल्ला, ठीक है, शेख अब्दुल्ला की अगर छुट्टी बंद होती है तो हम फिर नहीं करेंगे बात, फिर हम हरि सिंह जी का जो जन्म उत्सव है वो हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे, हम नहीं करते छुट्टी की मांग। पर आप अगर हरि सिंह को छुट्टी नहीं देना चाहते तो फिर शेख अब्दुल्ला की छुट्टी क्यों मना रहे हैं? तो आपने अगर मेरे से यह सवाल किया कि ये छुट्टियां बंद होनी चाहिए फालतू की, तो मैं आपको यही कहूंगा कि सबसे पहले शेख अब्दुल्ला की जन्मदिन की छुट्टी को बंद कराया जाए, फिर आप उसके बाद कहें कि फालतू की छुट्टियां बंद होनी चाहिए। क्योंकि हरि सिंह जो है, हरि महाराजा साहब का जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान के अंदर अगर हम जा रहे हैं तो ये हरि सिंह की देन है। तो हरि सिंह जी को इतने तो छोटे मोटे हस्ती नहीं थे। अब मैं रीजन बताऊंगा क्यों मैंने ये बात की। आप प्रधानमंत्री मोदी के, आपने कहा उनके जो हैं एक फैन है, आप उनकी उनको फॉलो करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक अपने भाषण में कहा कि हम ऐसे महान जो व्यक्ति होते हैं उनके, जब उनका जन्मदिन होता है या उनका जो हम एनिवर्सरीज मनाते हैं उस पर जितना हो सके ज़्यादा काम करें, ताकि उन तक, ताकि ये जो हमारी चीज़ है उनको श्रद्धांजलि पहुंचे या हमारी तरफ से उनको एक ये कॉन्ट्रीब्यूशन हो। तो इसी को लेके मैंने जो है ये पॉइंट रखा था कि हम अगर हम छुट्टियों को फोकस ना करके उनके दिनों पे, जो उनकी दिन मनाए जाते हैं उन पे हम डबल काम करें, हम अपनी जो कार्य होते हैं उसको बढ़ा दें थोड़ा सा, हम उसको लोक निर्माण कार्यों में लगाएं उन दिनों को, हम बिल्कुल बिल्कुल सोशल एक्टिविटीज करें उसमें। हम लोग चाहते हैं ये चीज होनी चाहिए, आप पर उसमें प्रोटेस्ट किया जाए, सबसे पहले गवर्नमेंट को शेख अब्दुल्ला के जन्मदिन के ऊपर छुट्टी बंद करानी चाहिए। ये मेरा भाई साहब कहना है। इसमें आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये जायज है, इसमें प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बात रखिए अपनी। शेख अब्दुल्ला के जन्मदिन की छुट्टी अगर कैंसिल होती है तो हम भी जो हमारी डिमांड है हम चुप हो जाएंगे। हमें हरि सिंह की छुट्टी चाहिए, हमें बाकियों से कोई लेना देना नहीं है, किसी की छुट्टी होती है होने दो, पर अगर हरि सिंह की छुट्टी नहीं मिली तो सबसे पहले हम जम्मू के अंदर छुट्टी जो है शेख अब्दुल्ला की हम कैंसिल कराएंगे। चलिए ठीक है, ये थे सागर प्रधान जी हमारे साथ, ये बात कर रहे थे आर्टिकल 35A को लेकर, और भी 2-4 मुद्दे जो थे वो सामने आए, बात की उन पर। इसी के साथ हम आज के शो का जो है समाप्ति करेंगे। धन्यवाद।